सभी को राम राम। मैं हूँ शिव और आज मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ एक, जो कि राइजर की एक्सरसाइज है। राइजर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, एक ट्रिक होती है, टेक्निक होती है राइज करना आर्म रेसलिंग में, जो कि जनरली टॉप रोल में बहुत काम आती है, टॉप रोल खेलते टाइम अगेंस्ट टॉप रोलर और ज़्यादा काम आती है। तो मैं अभी जो है राइजिंग की एक्सरसाइज करूँगा। ये नीचे लगे वेट्स, ठीक है, तो ये वेट है, ये मेरे पास स्ट्रैप है, यहाँ से मैं वेट निकाल निकाल के डालूंगा। बड़ी वाली जो प्लेट है ये है नियरली 8 किलो की, और जो छोटी वाली प्लेट है इसके नीचे लग रही है वो है 4 किलो की। तो मेरे ख्याल 30-32 किलो है मेरे पास वजन, तो 25 किलो भी राइजर अगर आ जाता है तो इनफ होता है, मतलब 30 किलो बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से, रॉक 30 किलो। वो देखते हैं, अगर मैं 30 किलो भी उठा पाता हूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपनी रिकवरी के लिए अपने साथ हमेशा अपनी डाइट में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट रखता हूँ मसल ब्लेस का, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहता है रिकवरी में। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है भाई कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मसल रिकवरी में, आपके मसल के स्टैमिना में, आपके मसल क्रैम्प्स में, आपके ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और बाकी क्रिएटिन रिकवरी करता है अच्छी, स्ट्रेंथ भी बिल्ड करेगा। और जो मैं ले रहा हूँ मसल ब्लेस का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, लैब टेस्टेड है, ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को कम करता है, अगर पेट में कोई आपको इशू नहीं होगा इससे, क्रिएटिनिन कन्वर्जन भी ये बहुत कम कर देता है। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट एक क्रिएटिन है, बहुत अच्छा क्रिएटिन है जो मैं यूज़ भी कर रहा हूँ और मैं आपको रेकमेंड भी करूँगा। अगर आप एक एथलीट हो तो क्रिएटिन अपनी डाइट में, अपने सप्लीमेंट्स में ज़रूर रखो, और ख़ासकर जो वेगन लोग हैं, क्योंकि क्रिएटिन ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा पाया जाता है, तो वेगन लोग जो हैं वो भी इसे एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि उनका क्रिएटिन टास्क पूरा नहीं हो पाता क्रिएटिन का सप्लीमेंट, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ राइजिंग की एक्सरसाइज करना, और सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ, ये जो वज़न है ये है नियरली 8 किलो, और मैं मान लूँगा 500 ग्राम की शायद वो होगी लोडिंग पिन मेरी। राइजिंग की पोजीशन ये है, हाथ की ये, मुझे इसी पोजीशन में हाथ को ऊपर उठाना है ऐसे। अगर ये नीचे से ड्रॉप हो जाता है तो यानी कि राइजर मेरा टूट गया, ये मेरी लिफ्ट फेल हो गई, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं, मैं इसे ऐसे बैठ के ही उठाऊँगा क्योंकि खड़े होकर कहीं पर ऐसे स्टेबल मिल नहीं रहा था। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, सबसे पहले 8 किलो डन, इजी, राइट हैंड से भी और लेफ्ट से भी। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे एक लिफ्ट को कि मैं इसे उठाता हूँ और 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ, तो उसे मैं एक लिफ्ट कंसिडर करूँगा। अब 8 किलो में और 8 किलो सीधे डाल देते हैं, तो ये हो गया सीधा 16 किलो, ठीक है। अप डाउन भी हो सकता है वैसे, जितना मैंने वेट इसमें कंसिडर किया उससे थोड़ा ज़्यादा ही आ जाता है, अप ही होता है इसमें, डाउन नहीं होता, क्योंकि वेट प्लेट्स मेरे ख्याल 25 LBS की थी, अब ये घिस के पुरानी हो गई, कम हो गई है, बट 8 किलो से फिर भी ज़्यादा है। तो अब राइट हैंड से करते हैं फिर से, ठीक है, 16 किलो उठ गया, लेफ्ट हैंड से, तो अगर किसी के गोल्फर्स एल्बो है, यहाँ पे पेन होता है, तो राइजर ट्रेन करते टाइम जहाँ तक है आपको गोल्फर्स में दर्द आएगा, अगर आप टॉप रोलर हो फिर भी आपको गोल्फर्स है, तो क्योंकि राइजर डायरेक्ट कनेक्टेड होती है यहाँ से पूरा, आपको जितनी आप आउट आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, मतलब जैसे आप इस पॉइंट से जितनी दूर जाते जाओगे एक्सरसाइज में, उतना ज़्यादा लोड आपके जॉइंट पर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम इसको तभी स्ट्रॉन्ग करने को कहते हैं कलाई को, ताकि ये कलाई स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपके यहाँ पर जो है इंजरीज के चांसेस कम रहेंगे। मेरी कहीं ना कहीं पहले कलाई बहुत वीक थी इसलिए इंजरी बढ़ी, अब मैं इस कलाई पे काम कर रहा हूँ, इसको ठीक कर रहा हूँ ताकि इंजरी नीचे तक ना पहुँचे। अब मैं डाल दूँगा इसमें 4 किलो और बढ़ा दिया तो ये हो गया 20 किलो सीधा, ठीक है। मुझे लगता है 20 किलो ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा मेरे से। चलो पहले राइट से ही ट्राई करता हूँ, उठ गया, ठीक है। तो इस एडजस्टेबल बेल्ट की यही एक बेनिफिट है, इसका यही एक प्रो है कि आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, और जैसे मुझे ऊपर बैठ के करनी है एक्सरसाइज तो मैंने इसे एडजस्ट कर लिया हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें मैं अब 4 किलो और डालूंगा वेट, तो मुझे लगता नहीं है उठेगा अब,
24 किलो हो गए, मुझे लगता नहीं उठेगा। 30 किलो तो क्या ही उठेगा। लिफ्ट तो हुआ है, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था बस, मतलब ड्रॉप नहीं हुआ था, बस स्ट्रेच सा हुआ था, बाकी लिफ्ट तो हुआ है मेरे ख्याल से। मैं एक बार बैठ के ही ट्राई करता हूँ। हो गया लिफ्ट 24 किलो। तो मेरा एक सजेशन है जो नए एथलीट्स हैं जो राइजिंग की ट्रेनिंग करते हैं, कि आप राइजिंग की जो एक्सरसाइज है ना, काफ़ी रिस्की होती है। तो जब आप वेट मार रहे हो तो ईगो लिफ्टिंग राइजिंग पे तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि राइजर अगर आपका बैलेंस नहीं है तो एकदम से ऐसे घूम जाएगा या ऐसे घूम जाएगा और इंजरी आना पक्का है। फिर कुछ भी हो सकता है, फिर तो अगर हैवी वेट पे घूम गया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, बिना प्रैक्टिस के बिना एक्सपीरियंस के राइजिंग पे बहुत हैवी ईगो लिफ्ट मत करना। अब मैं लेफ्ट हैंड से भी करके देखता हूँ। उठ गया आई थिंक, हाँ ड्रॉप नहीं हुआ, ये इतना हुआ बस, स्ट्रेट हुआ हल्का सा, ठीक है। अब 24 उठ गया, 30 ट्राई करने कोई मतलब नहीं, 28 ट्राई करने कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, खामखा इंजरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी लिफ्ट है, ये राइजिंग पे दोनों हाथ से नियरली सेम ही रही है, 24 24, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलो का फ़र्क पड़ जाएगा लेफ़्ट और राइट में, लेफ़्ट क्योंकि रिकवर है अच्छे से। और बाकी ये तो हो गई एक जो आइसोलेट राइजिंग टाइप में कहूँगा इसे, जो कि खाली मैं यहाँ पे होल्ड करके सिर्फ यहीं से कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में राइजिंग जो है वो टेबल पे हाथ रख के और सामने से पुल करने में पता चलता है। तो अगर यहाँ पे मेरी 24 आ रही है तो वहाँ मेरे ख्याल मैक्सिमम जाएगी 20 के आसपास, ठीक है, 20 21 22 कम चली जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल राइजिंग वही होती है, उसी को आपको करना चाहिए ट्रेन, वही आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी और वही प्रैक्टिकल भी रहेगी, सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, ठीक है। और लिफ्ट हो गई, नोट कर लेना, और मैं वो वाली अगले की वीडियो में वो वाली भी लिफ्ट नोट करवा दूंगा। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर से जब लिफ्ट करूंगा कुछ महीने बाद, तो लिफ्ट मेरी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट करना आपकी कितनी कितनी लिफ्ट हैं राइजर पे, इस राइजर पे, और इंस्टाग्राम पे वीडियो ज़रूर बनाना मेरे को टैग करके, मैं रिपोस्ट ज़रूर करूँगा अगर मेरे को अच्छी लगी वीडियो तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।